दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ से यहाँ अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे आप देखें तो यहाँ से हम सूरत तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखें और मेरे साथ में इस सफ़र को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र में ये बस हमारे साथ है। ऊपर प्रिंस लिखा है, नीचे हरपाल लिखा है और ये प्राइवेट बस है जिससे हम सूरत तक का सफ़र करने वाले हैं। ये आपको इस सफ़र में एसी, नॉन एसी, रोडवेज की सब बसें मिलती हैं। हमारी बस ये है प्रिंस की, जो हमें सूरत तक लेके जाएगी। आइए अंदर चलते हैं। और आज के सफ़र में ये हमारे साथ में ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब थोड़े से अभी मतलब शर्मा रहे हैं। और ये कंडक्टर हैं। आप कंडक्टर नहीं हैं, ये मैनेजर है। यहाँ के मैनेजर हैं इस गाड़ी के, जो यहीं तक ये रहते हैं। यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये देखिए पैसा इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं। ये कितना टाइम लगेगा हमें इस सफ़र में? 5 मिनट में यहाँ से चलेंगे। सूरत तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 3:30 बजे सूरत पहुँच जाएंगे। अभी 10 बज गए हैं और ये हम CTM उदयपुर में, सॉरी अहमदाबाद में है, CTM अहमदाबाद। अभी यहाँ से 5 मिनट में गाड़ी हमारी रवाना होती है और ये हम CTM से अभी रवाना हो चुके हैं। गाड़ी हमारी चल पड़ी है अहमदाबाद वडोदरा दुर्गामी एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। अभी बहुत शानदार जर्नी होने वाला है। पूरा वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें और मेरे साथ में इस सफ़र को एंजॉय करें। सफ़र अहमदाबाद से सूरत तक का तकरीबन 300 किलोमीटर का है। और ये 300 किलोमीटर का सफ़र हम लोग 5-5.5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। बस के किराए की बात करें तो 300 रुपये का, जिसमें स्लीपर है ये, तो 300 रुपये का एक टिकट आपको स्लीपर एक सीट मिल जाती है। आराम से आप करते हुए 100 करोड़ जा सकते। सोने का, हाँ ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि सोने का सीट मिलता है। बिल्कुल, एक स्लीपर सीट, एक सोने का सीट पूरा मिल जाता है। आराम से आप सोते हुए ये सफ़र कर सकते हैं। बाकी बहुत ही शानदार हाईवे बना हुआ है अहमदाबाद से वडोदरा तक, और आगे देखते हैं कैसा रहता है। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में पूरा वीडियो एंजॉय करें, इस सफ़र को एंजॉय करें। और आपको पता ही होगा मैं कोस्टल भारत की यात्रा कर रहा हूँ और अगले 2 महीने तक पूरे कोस्टल को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें 14 स्टेट आने वाले हैं और 50 सिटी में हम रुकने वाले हैं, देखने वाले हैं, जाने वाले हैं। 7,000 किलोमीटर का पूरा ये सफ़र है। पूरा वीडियो में आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी सीरीज को आप एंजॉय करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपको सामने साइड में दिख रही है। और ये
यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पेज पे फेसबुक का पेज आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें तो वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहती है। बाकी इस सफर को आप इंजॉय करें, इस वीडियो को इंजॉय करें। अभी हम चल ही रहे हैं, ये भी दिल्ली मुंबई हाईवे है, लेकिन ये ऊपर जो अभी गया है ये नया हाईवे अभी रेडी हो रहा है, अभी चालू नहीं हुआ, इसका पर काम चल रहा है। तो ये इसके साइड साइड में या एक्सप्रेस के रूप में ये हाईवे बना है, अलग तरह का हाईवे है जो अभी चालू हो जाएगा जल्दी ही। और अभी हम वडोदरा पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा ही रह गया आगे, 10-15 किलोमीटर है वडोदरा। कर दिया है और अभी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर सूरत रह गया, 3-3.5 बजे तक सूरत पहुँचने वाले हैं। और ये अभी वडोदरा के बाद का नज़ारे आप देख रहे हैं, बने रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ एंजॉय करते रहे। होटल प्रिंस पे अभी रुक गए हैं आधा घंटा के लिए खाने का ब्रेक, ये हाईवे के ऊपर ही है, आधा घंटा खाने का ब्रेक लेके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम नर्मदा क्रॉस कर रहे हैं, अंदर देखिए बोटिंग भी चल रही है और ये नया ब्रिज अभी बना है भाई बता रहे हैं, और अभी हम पुराने ब्रिज पे चल रहे हैं, काफ़ी बड़ी नदी, ये पुराना रोड पे हम चल रहे हैं और ये देखिए आप काफ़ी बड़ी नदी भी है, नर्मदा नदी। हाँ अभी पूरा बाकी है ना, अभी हम आ गए हैं अंकलेश्वर में, बरोज के बाद शानदार आपको देखिए ये
है, हरियाली बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वीडियो में आप कैसा देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो दूर दूर तक बहुत ही शानदार है। देखो ये ड्राइवर साहब अभी चेंज होने वाले हैं, ये अब्दुल भाई जो अभी दूसरे ड्राइवर हैं वो ये चेंज होंगे, और ये भाई कमर भाई अभी यहाँ पर उतर जाएंगे, अंकलेश्वर में ये ड्राइवर चेंज होगी। और अब्दुल भाई बोल रहे हैं कि अंकलेश्वर में चालू ही रखना वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा, चालू रखेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ हमारे ड्राइवर चेंज हो गए हैं, और कमर भाई चला गया है, और ये अब्दुल भाई आ गए हैं वापस। ठीक है कमर भाई, आज आ जाओ। अब आगे तक कहाँ तक जाओगे? आगे इधर हो, सामने तक जाएंगे, घर तक। और ये अभी दूसरे ड्राइवर अब्दुल भाई गेयर डाल दिया है, उन्हें चालू कर दिया गाड़ी। और ये हमारे भैया जो हमारे साथ में ही है, आपका नाम क्या है? जयदीप। क्या बात? जयदीप भाई जयदीप भाई हमारे साथ ही हैं, और सूरत तक जाने वाले हैं, तो बने रहें। अभी हम अंकलेश्वर का ये ब्रिज के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये सफ़र यहाँ तक इस बस के द्वारा पूरा हुआ। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।